अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सकें। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चियों को किस उम्र में माहवारी के बारे में या मेंसेस के बारे में बताना चाहिए। ये हर एक घर का सवाल है कि बच्चों को किस उम्र में माहवारी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये अमल जो है वो हर औरत की ज़िंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है और जब वो इस मरहले से गुजरेंगे तो एक्सेप्ट कर सकें इसके बारे में, वो पहले से परेशान ना हों। अगर आप अपनी लाइफ में पीछे देखें तो आप भी इस मरहले से गुजर चुके होंगे। आपको आपकी मदर ने, किसी रिलेटिव ने या कहीं से भी आपको इस बारे में पता चला होगा, या किसी भी तरीके से आपको पता चला हो, आप डर गए हों या आप परेशान हो गए हों, तो आपने अपनी ज़िंदगी का ये टाइम परेशानी में गुजारा हो। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें और उनको इस बारे में बताएं, ताकि जब वो इस अमल से गुजरें तो वो इस अमल में अच्छी तरह से स्मूथ हो। जैसा कि हमने पहले शेयर किया है कि पीरियड्स आने की जो एज है वो 12 से 16 साल की उम्र है। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अर्ली एज में पीरियड्स हो जाते हैं, यानी 10 से 11 साल की उम्र में उन्हें पीरियड्स हो जाते हैं, और कुछ को 12 से 13 साल की उम्र में होते हैं। जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उसके साथ साथ उनके जिस्मानी साख्त में भी तब्दीली आती है। और बच्चियों को प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताएं और उन्हें इस बारे में एजुकेट करें। हर एक लड़की या औरत की ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा होता है और इस तरह से ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल बात है। तो जब पहले से ही आप उन्हें इस बारे में बताएंगे कि ये एक नॉर्मल इवेंट है, बजाय इसके कि उन्हें बाहर से कुछ पता चले या वो इस बारे में सीखें, जो बात आप उनको खुद बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगी और उनकी ज़िंदगी में इससे क्या फ़र्क आएगा। इससे वो बच्ची डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती, डरेगी नहीं या उसमें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तो मेरी माओ से गुजारिश है कि जब बच्ची 10 से 11 साल की हो जाती है और उसकी जिस्मानी साख्त में तब्दीली आना शुरू होती है, तो बेहतर है कि उसे साथ साथ इस बारे में भी एजुकेट किया जाए, उसे प्यार और मोहब्बत से और मिसालों के ज़रिए बताया जाए कि ये एक औरत की ज़िंदगी का नॉर्मल पार्ट है और हर औरत और लड़की इस फेज से गुजरती है। जब उसे आप ये बताएंगे कि हर लड़की या औरत इस फेज से गुजरती है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी और वो साइकोलॉजिकली इसे एक्सेप्ट करेगी। इसके साथ साथ जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आएंगे तो वो आप उसको उसकी हाइजीन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसने अंडर गारमेंट्स यूज़ करने हैं और पैड्स यूज़ करने हैं और उनको किस वक्त और कितनी बार तब्दील करना है। इसके साथ साथ आपने उसको ये भी बताना है, जब एक दफ़ा पीरियड्स आते हैं उसके बाद बाज़ औक़ात काफ़ी लंबे अरसे तक पीरियड्स नहीं होते, ये भी एक नॉर्मल बात है। उसके बाद खुद नॉर्मली रूटीन के साथ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है तो ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्टार्ट में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक दफ़ा जब पीरियड्स होते हैं कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चियों में दोबारा हो जाते हैं। इरेगुलर ब्लीडिंग भी एक नॉर्मल बात है, कुछ अरसे के बाद ये खुद ब खुद पीरियड्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो औरत के अंदर हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से औरत की या लड़की की जिस्मानी साख्त में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और जब पीरियड्स आते हैं तो बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, उनका मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, मूड में चेंज रेगुलर और फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाता है। इनके साथ बहुत मोहब्बत और प्यार से पेश आना चाहिए, उनको अपने पास बिठा कर अगर उनका कोई मसला हो तो गौर से सुनना चाहिए और उसका हल उन्हें बताना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हमारे दीन के अहकामात इस बारे में क्या हैं और किस तरह से अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है, कब पैड्स और अंडर गारमेंट्स को चेंज करना है, उनको अच्छी तरह से गाइड करना है। अगर बच्ची की बड़ी बहनें हैं तो वो अपनी मिसालें देकर बच्चे को गाइड कर सकती हैं, इस तरह से कंफर्टेबल फील करेगी और उसे ये महसूस होगा कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि हर लड़की जो कि 18 एज में पहुंचती है तो उसके साथ इस तरह के मसले मसाई होते हैं। दूसरी अहम बात यह कि आपने उससे पहले से ही, जब वो इस एज में पहुंचती है 11-12 साल की उम्र में, तो उसे आपने पहले से जब गाइड किया होगा, पहले से आपने उसे तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कर रखी होंगी, प्रोवाइड कर रखी होंगी। तो जब वो कहीं पब्लिक में जाती है, स्कूल जाती है, किसी रिलेटिव के घर जाती है, किसी फंक्शन में जाती है,
अगर उसके साथ ऐसा कोई मसला होता है तो उसे पता होना चाहिए कि अब उसे क्या करना है और किस तरह से अपने लिबास को मेंटेन रखना है और इस बात को किस तरह से हैंडल करना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि किस एज में अपनी बच्चियों को प्रॉपर तौर पर गाइड करना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।